उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार की लापरवाही की वजह से विद्युत संकट पैदा हुआ और बिजली नहीं मिल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि अघोषित तरीके से घंटों घंटों तक बिजली नहीं आ रही है। इंडस्ट्रीज परेशान है, व्यवसायी परेशान है, अध्ययनरत छात्र परेशान है और लगभग 8 से 10 घंटे तक की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में नजर आ रही है। हरीश रावत ने कहा कि मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज़ बुलंद की थी, आज भी मेरा एक निजी प्रयास है। एक सीनियर सिटीजन के नाते यह मेरा गैर राजनीतिक प्रयास है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके, विद्युत व्यवस्था में जो अव्यवस्था पैदा हो रही है उसको दुरुस्त करे। एक घंटे का काफ़ी समझ लीजिए इस चेतक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। जय हिंद। ओम शांति शांति शांति। राज्य में सरकार की लापरवाही की वजह से जो विद्युत संकट पैदा हुआ, बिजली मिल नहीं रही है, अघोषित तरीके से घंटों घंटों तक बिजली नहीं आ रही है, इंडस्ट्रीज परेशान है, व्यवसायी परेशान है, अध्ययनरत छात्र परेशान है और लगभग 8 से लेकर के 10 घंटे तक की कटौती कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रही है। अब मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज़ बुलंद की थी और आज मैंने एक निजी प्रयास है, एक सीनियर सिटीजन के नाते ये गैर राजनीतिक प्रयास है मेरा, इसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके, विद्युत व्यवस्था में जो अव्यवस्था पैदा हो गई है उसको दुरुस्त कर। कितनी अजीब सी बात है, गैस प्लांटों से जो बिजली मिलती थी उसका इनको आभास था भाई, लेकिन उसको भी दुरुस्त नहीं करवाया। कई हमारी परियोजनाएं जिनको यदि साधारण तरीके से समय पर मरम्मत कर ली गई होती तो इस समय पानी की उपलब्धता थी, उनमें बिजली बढ़ सकती थी उत्पादन। और फिर ये ऐसा समय है जब UPCL को बाहर से भी बिजली खरीद करके व्यवस्था रखनी चाहिए थी, तो ये जानबूझ करके लोगों के ऊपर बिजली की कटौती थोपी गई है, बिजली के दाम लगातार बढ़ाए, अब ये बिजली कटौती। और उधर वनों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, कहीं ऐसा प्रयास करती हुई सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सके। इस ये जंगलों में जहाँ पानी के स्रोत है, यदि वो जंगल फूक जाएंगे तो इससे पानी के स्रोतों पर भी बुरा असर पड़ेगा और पानी की कठिनाई से राज्य पहले ही जूझ रहा है पेयजल संकट से, वो पेयजल संकट मई जून में और गहरा हो जाएगा। तो सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करने के लिए मैंने ये एक घंटे का मौन उपवास, एक प्रकार का एक घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चेतक।